Assalamualikum friends, welcome back to Ayesha's kitchen. Friends, आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल रेसिपी. वो है आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ मीठी चटनी. मीठी चटनी मतलब हम इसमें कोकोनट यूज़ करेंगे और इसमें थोड़ा मीठा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे. बहुत ही सिंपल रहेगी. जैसे कि आप लोगों को मालूम है बच्चे चपातीस के साथ जैम खाना पसंद करते हैं, सॉस खाना पसंद करते हैं. उसके साथ अगर आपने कोई करी बनाई है तो खाने में बहुत दिक्कत करते हैं. ये भी एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चों के लिए बहुत ही पसंद आएगी. ये एक्चुअली जो रेसिपी है ये हमारे मॉम हमें बना के खिलाते थे. आज मैं आप लोगों को इसे शेयर करना चाहती हूँ. देखिए, मैंने ये कप कोकोनट लिया है और मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप उतनी शुगर और मैंने ली है आधी इलायची. बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स रहेंगे हमारे आज की रेसिपी में. बहुत ही सिंपल रेसिपी है और टेस्टी बनेगी. आप चपातीस पराठोस के साथ बच्चों के लिए और बड़ों भी खा सकते हैं मेमोरीज़ के लिए, जो आपके चाइल्डहुड मेमोरीज़ के लिए. देखिए, अब बस ये तीनों इंग्रेडिएंट्स डाल के आपको ग्राइंड कर लेना है. ग्राइंड करने के बाद आपकी चटनी बन के तैयार है. चलिए अभी मैं ग्राइंड करके आपको बताती हूँ. ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मीठी चटनी बनके एकदम तैयार है. देखिए, मैंने इसे चपातीस के साथ सर्व किया है, इलायची के साथ गार्निश भी किया है. ये थी मेरी आज की रेसिपी, इलायची वाली मीठी चटनी. अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा. अस्सलाम वालेकुम.